हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल थिंक कोड एंड टूडेज इट कोड कॉन्टेस्ट चैलेंज सेकंड क्वेश्चन इज मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंग सबेरेज विथ लेंथ के तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें एक ऐसे एरा ऐसा सबैरे निकालना है जिसकी लेंथ के है और जिसमें सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और उसका सम मैक्सिमम है ठीक है मैक्सिमम सम है मैक्सिमम सबेरे सम विथ लेंथ के और विथ ऑल एलिमेंट डिस्टिंग विथ ऑल एलिमेंट्स distinct, ठीक है तो कैसे करेंगे तो देखो ये तो सिंपल स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें अगर वन जैसे ये वन है वन फाइव फोर टू नाइन 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 तो जहाँ तक पहले तो हम के साइज तक जाएंगे ठीक है अगर डिस्टिंक मिलेंगे तो हम उसको आंसर में स्टोर करा लेंगे ठीक है अब आंसर कैसे स्टोर कराएंगे हम आंसर स्टोर कराने के लिए प्रीफिक्स हम ले लेंगे हम क्या करेंगे वन सिक्स टेन ट्वेल्व ट्वेल्व और नाइन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन थर्टी थर्टी नाइन तो हमको किसी भी सवेरे का सम चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे ये जे है ये आई है तो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस वन ठीक है ये हो जाएगा हमारा सब सवेरे सम जे से लेकर आई तक ठीक है तो हम प्रिफिक्सम ले लेंगे और जैसे इस इस एरे में जाएंगे फिर और जहाँ पे हमको डिस्टिंग एलिमेंट मिलते जाएंगे और के साइज़ हो जाएगा तो हम ये 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 चीज़ निकाल लेंगे और जैसे ही हमारा एक एलिमेंट रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे पीछे से जब तक वो एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक हम पीछे से रिमूव करते जाएंगे ठीक है तो इस चीज़ को वापस से समझा देता हूँ मैं इधर जैसे मैंने क्या करा मेरा ये था वन फाइव वन टू थ्री फोर ठीक है तो मेरा ये यहाँ पे ये जे मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और जब तक मेरा के साइज़ नहीं हो जाता या फिर एलिमेंट रिपीट नहीं हो जाता तो यहाँ पे मैं इस आई पे गया आई ज़ीरो से चालू करा और जे ज़ीरो से तो अब ये, ये तो के साइज़ हुआ नहीं अभी तक मेरा तो मैंने इसको सेट में डाल दिया ठीक है और ना ही मेरा एलिमेंट रिपीट हुआ और फिर मैं फ़ाइव पे गया तो फाइव भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ मेरा तो मैंने फ़ाइव को भी डाल दिया और फिर यहाँ पे गया मैं तो क्या हुआ एलिमेंट रिपीट हो गया वन पहले से आ रखा था तो मैं अब मैं क्या करूँगा पीछे से चालू करूँगा लूप जब तक मेरा वन नहीं आ जाता तो जे जे पे ही वन है तो मैं क्या करूँगा इस इस इसको जे को यहाँ पे बढ़ा दूँगा जे को वन कर दूँगा और इसको सेट से रिमूव कर दूँगा ठीक है और इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया फिर मैं इस पर जाऊँगा ठीक है तो इसको वन ले, ले लेते हैं इसको भी वन ले, ले लेते हैं ठीक है अब इस पर क्या तो अब क्या हुआ आई कोल टू टू पर भी मेरा वन आ गया आई कोल टू टू पर भी मेरा वन आ गया तो एलिमेंट रिपीट हो गया तो एलिमेंट रिपीट हो गया तो मैं क्या करूँगा जब तक वन नहीं आ जाता तब तक मैं पीछे से चलाऊँगा ठीक है तो इसको मैंने रिमूव कर दिया सेट से और जे को यहाँ बढ़ा दिया क्योंकि अभी तक मेरा वन नहीं आया अब जैसे ही वन आया तो मैंने इसको सेट से रिमूव कर दिया और जे को यहाँ कर दिया तो जे हो गया हमारा ये थ्री है जो भी है थ्री है फोर है क्या है वन टू थ्री हाँ थ्री है और ए टू है ठीक है तो मैंने क्या करा ये जे तक रिमूव कर दिए अब मेरा यहाँ पे आ गया जे बी और आई बी तो अब मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा वापस ठीक है सेट में इसको इंसर्ट कर दिया फिर मैं इस पर गया अब मैं थ्री पे देखा क्या मेरा थ्री रिपीट हुआ है नहीं हुआ है तो मैं इसको डाल दिया और क्या मेरा अभी के साइज़ हुआ है के साइज़ भी नहीं हुआ तो मैंने इसको डाल दिया और आई को आगे बढ़ाया तो आई को बढ़ाया क्या मेरा अभी सेट सेट ये सेट में है पहले से नहीं है और क्या के साइज़ हो गया तो के साइज़ तो हो गया तो मैं क्या करूँगा अब आई माइनस जे प्लस वन इक्वल इक्वल टू के हो गया है के हो गया ना यहाँ पे ये यहाँ पे आई कितना है फोर फाइव फाइव है ठीक है के ले लो थ्री था तो फाइव माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू के हो गया थ्री हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा आंसर को निकाल लेंगे आंसर कैसे निकालेंगे लेंगे ऑफ आई माइनस प्रेफिक्स ऑफ जे माइनस वन ठीक है ये हो गया आंसर एक हमारा तो बस यही करना है क्वेश्चन में हम हमको हम कोर्ट पर आ जाते हैं, समझ में आ जाएगा एक बार में तो हमने क्या करा है? ये प्रीफिक्स हम ले लिया पहले तो प्रीफिक्स हम ले लिया और फिर सेट ले लिया एक और हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो एलिमेंट पहले से आ रखा है हमारे सेट में जैसे वन फाइव वन है तो ये पहले से आ रखा है तो हम वाइल्ड लूप चलाएंगे जब तक ये वापस से वन नहीं मिल जाता हमको पीछे ठीक है इस केस को लो जैसे वन फाइव फाइव वन वन को लेते हैं फ़ाइव वन वन तो यहाँ पे जैसे इस पे आएंगे हम इस आई पे आएंगे आई टू कौन है ये टू है तो ये एलिमेंट रिपीट हो गया तो ये एलिमेंट रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे पीछे से लूप चलाएंगे जब तक वन नहीं आ जाता तो हम ये पीछे से लूप चलाएंगे जब तक वन नहीं आ जाता तो ये क्या वन है नहीं है तो इसको रिमूव कर दो हटा इसको फ़ाइव को रिमूव कर दिया सेट से जे को आगे बढ़ाया क्या ये वन है हाँ ये वन है तो क्या करो तो ये लूप ब्रेक कर दो और फिर इसको इरेज़ कर दो तो इसको भी इरेज़ कर दिया और जे को यहाँ बढ़ा दिया ठीक है अब अब क्या करा इसको इंसर्ट कर दिया इस वाले आई इस वाले को आई को इसको हमने इंसर्ट नहीं करा था तो अब हमने इन दोनों को रिमूव करके इसको इंसर्ट कर दिया वन को वापस से ठीक है तो अभी हमारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं और फिर आगे अगर हमारा टू आया थ्री आया तो हम उनको भी सेट में डालते जाएंगे क्योंकि वो हमारे सेट में नहीं है तो इस वाले में डालते जाएंगे हम और जैसे ही ये के के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे प्रिफिक्सम ले लेंगे अब प्रिफिक्सम अगर एलिमेंट ही तीन है तो प्रिफिक्स हम क्या होगा उसका प्रीफिक्स ऑफ आई हो जाएगा बस क्योंकि जे माइनस वन तो है नहीं प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस वन तो है नहीं तो प्रीफिक्स ऑफ आई हो जाएगा सिर्फ ठीक है और अगर प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस वन होगा तो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस प्रिफिक्स ऑफ जे माइनस वन हो जाएगा और हम इसको क्या करेंगे अब के साइज़ तो बन गया हमारा तो इसको रिमूव कर सकते हैं हम पीछे वाले को तो इसको रिमूव कर देंगे ठीक है और जे को यहाँ बढ़ा देंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी ओ ऑफ एन और हमने एक्स्ट्रा स्पेस ओ है वो प्रिफिक्स हम बनाने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन होप यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक्स अ लॉट